हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर, ठीक है। यूनिट फर्स्ट अपना चैप्टर थर्ड है, क्वेश्चन फाइव यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप लोग बीएससी सेकंड ईयर के और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाई यूनिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी थ्योरम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर अमूर्त बीजगणित में अपन के थ्योरम होते हैं जो कि अपन को सिद्ध करने होते हैं, यानी कि प्रूव करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे सवालों में अपन को प्रमेय पढ़ना होता है कि बोला क्या गया है। और देखो जो चक्रीय समूह होता है, सभी की डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से पढ़ना। आप जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, एक चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या क्या पता होना चाहिए? चक्रीय समूह पता होना चाहिए, और उसकी कोटि का जो फॉर्मूला था वो पता होना चाहिए, तभी तो अपन सिद्ध कर पाएंगे कि जो चक्रीय समूह की कोटि होती है वो जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चक्रीय समूह की कोटि, यानी एक चक्रीय समूह मानेंगे और उसकी कोटि बताएंगे कि क्या होती है, ठीक है। तो माना जी डॉट ए क्या अपना चक्रीय समूह है, ये तो अपन को ज़्यादातर मानना है क्योंकि अपन को पहले चक्रीय समूह बताना है। तो माना जी डॉट एक चक्रीय समूह है जिसकी जिसका जनक क्या है, ए है। तो जनक अवयव की कोटि यानी जनक ए अपना कहलाया, तो उसकी कोटि क्या होती है, चक्रीय समूह की कोटि के बराबर होती है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो माना जी डॉट एक चक्रीय समूह है जिसका जनक अवयव ए है, जनक अवयव ए है, ये मान लिया। तब अवयव की कोटि की परिभाषा से ये हम बता चुके हैं कि अवयव की कोटि की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है। तब अवयव की कोटि की परिभाषा से क्या होता है, जो n हो वो ग्रेटर देन जीरो, वी नो दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि n जो हो वो अपन का ग्रेटर देन जीरो, सच दैट, इस प्रकार की जो मतलब a रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू e, ये होती है अपन की कोटि की परिभाषा से। और ये n अपना क्या होती है, कोटि होती है, ठीक है। और ये क्या अपना a अवयव है, जनक अवयव, ठीक है। तो अब हम दर्शाएंगे कि जो समूह G है उसकी कोटि क्या है, N है, ठीक है। अतः सर्वप्रथम हम ये दर्शाएंगे कि जो G में N भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो अपन कह ले सकते ए स्क्वायर ए रेज टू द पावर थ्री, यानी कि ये तत्समक, ये बिलोंग करेंगे अपन के G में। अब हम दर्शाएंगे कि समूह G की कोटि, कोटि n है, अर्थात अब अपन पहले क्या दर्शा देंगे कि समूह G में अवयव वो भिन्न भिन्न अवयव हैं, यानी कि इसकी कोटि बराबर नहीं होगी, यानी कि भिन्न भिन्न अवयव हैं, तब ये बराबर कैसे होंगे, जब भिन्न भिन्न अवयव हैं तो वो बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दर्शाएंगे एक अपन ने प्रमेय सॉल्व किया था कि जिसमें अपन ने भिन्न भिन्न अवयव थे ए बी नॉट इक्वल, जो हाँ तीन कोटि का चक्रीय समूह होता है, जो वाला अपन ने किया था कि एक प्रमेय सिद्ध कीजिए कि कोटि तीन का कोई समूह चक्रीय होता है, तो उसके ज़्यादातर जो अवयव भिन्न भिन्न थे तो वो बराबर नहीं आ रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो देखो माना इसमें जो जनक ए है, तो अपन कोटि अपन ए भिन्न भिन्न लेना है ना, तो ए वन ए टू ए थ्री ले लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए रेस टू दी पावर थ्री ए रेस टू दी पावर फोर डेड डेस ए रेस टू दी पावर एन बराबर होगा ई, यानी ये बिलोंग करेंगे अपन के चक्रीय समूह में, ठीक है, यानी जी में कर रहे। तो अपन पहले विरोधाभास मानेंगे, विरोधाभास मतलब ये बराबर होंगे, क्योंकि ये बराबर तो नहीं है लेकिन अपन इसका विरोधाभास मान रहे हैं, क्योंकि मतलब जब अपन के भिन्न भिन्न नवे में तो वो बराबर कैसे होंगे, लेकिन अपन यहाँ पर विरोधाभास मान के सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो विरोधाभास मानने पर मतलब मान के चलो a रेस टू दी पावर r इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर s मान लेते हैं, दोनों पक्षों में अपन a रेस टू दी पावर s माइनस वन का
मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में, ए रेज टू दी पावर एस माइनस वन से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर कर दो, ठीक है। तो ए रेज टू दी पावर आर इंटू ए रेज टू दी पावर एस ऊपर माइनस वन इंटू ए रेज टू दी पावर एस, यहाँ पे भी ए रेज टू दी पावर एस रेज टू दी पावर माइनस वन दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपन को सिद्ध क्या करना है, विरोधाभास लेके चल रहे अपन ये सिद्ध करेंगे कि ए रेज टू दी पावर आर नॉट इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एस, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर r इंटू ए रेज टू दी पावर माइनस s, यहाँ पे अपन a रेज टू दी पावर s इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन s माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस s हो जाएगा। तो ये तो अपना a रेज टू दी पावर जीरो आ जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे आधार समान है यानी a यहाँ पे जुड़ेगी तो r माइनस s हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं, जो ये a रेज टू दी पावर r माइनस s इसको e लिख सकते हैं, और अपन ने समीकरण एक से a रेज टू, जब समूह की कोटि की परिभाषा अपन ने लिखी थी तो क्या लिखा था, a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू e लिखा था, जब चक्री समूह की कोटि की परिभाषा से अपन ने ये लिख दिया था, तो अपन e के स्थान पे a रेज टू दी पावर n लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने ये माना था कि नॉट इक्वल टू यानी r माइनस s नॉट इक्वल टू n, ये माना था कि नहीं जब अपन ने कोटि की परिभाषा दी थी, क्योंकि जब ये भिन्न भिन्न अवयव है तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो अतः हमारा मानना गलत था, अपन लिख सकते हैं जब भिन्न भिन्न अवयव है तो इनकी कोटि, तो अतः हमारा मानना गलत था, क्या माना था अपन ने कि a रेज टू दी पावर r इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर s, ठीक है। तो इसीलिए अपन लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर r नॉट इक्वल टू a रेज टू दी पावर s, अतः अपन लिख सकते हैं कि जो a a स्क्वायर a रेज टू दी पावर 3 a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू e भिन्न भिन्न अवयव हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन भागफलन विधि से लिख सकते हैं, जैसा अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, भागफलन विधि से कुछ भी मान सकते हो, मान के चलो t इज इक्वल टू एन पी प्लस क्यू मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने माना कि a रेस्ट, क्योंकि जनक फलन अपना क्या, जनक का अवयव अपन ने a लिया, तो इसके ऊपर पावर अपन ने a रेस्ट टू दी पावर t मान ली, ठीक है। अर्थात अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, a रेस्ट टू दी पावर t की वैल्यू np प्लस q लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन इसकी वैल्यू देखो, इसकी घातें अलग अलग कर देते हैं कैसे, देखो a रेस्ट टू दी पावर np इंटू ए रेस्ट टू दी पावर q। अब देखो a रेस्ट टू दी पावर n इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू a रेस्ट टू दी पावर q, तो a रेस्ट टू दी पावर n की वैल्यू क्या अपन की e, तो ई रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने जब कोटि की परिभाषा दी थी ए रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई बोला था, तो अपन ने इसके स्थान पे ई रख दिया, इसकी पावर टोटल पी है क्यू, तो ई की पावर पी यानी ई ही होगा।